हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? अच्छा, धार्मिक क्या है? अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। धर्म क्या है? और बड़ा कठिन भी है। लगता है सिंपल कि धर्म क्या है, इसको हम कई तरीके से समझें कि क्या धर्म सिर्फ पूजा पाठ करना है, क्या कौन सा धर्म अच्छा है कौन सा बुरा है, ये मन में भाव आते हैं। पर धर्म जहाँ तक मैं समझती हूँ भाव प्रधान है। अगर मैं आपको मनुस्मृति की तरफ लेके चलूँ तो मुझे वो श्लोक बहुत सुंदर लगता है जिसमें कहा गया है कि धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये जो पूजा पाठ है ये धर्म नहीं है, ये हमारा कर्म कांड है, हमारा वो सिस्टम है जिसे हम एनर्जाइज होते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं के साथ एक लयबद्ध होने की जो प्रक्रियाएं हैं वो है मंत्र उच्चारण, वो है न्यास विन्यास, वो है कर्मकांड। तो वो धर्म नहीं है, हम उसको रिलीजन मानते हैं। वो व्यक्तिगत है, जिसको अच्छा लग रहा है, जिसको ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ रहना है, जिसको ब्रह्मांड के ईश्वर के निर्मित जो ब्रह्मांड है वो किस तरह चल रहा है, कैसे हमें पावरफुल बनाता है, जिसको ये अच्छा लगता है, ये इसको साधना कहते हैं। साधना क्या है कि एक लयबद्ध होना ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं से, यानी ईश्वर स्वयं से। पर जो भाव है वो धर्म है, जिसको हम अपनाते हैं, अपनी पर्सनालिटी में संस्कार पुरोते हैं, वो धर्म है। धर्म मतलब धारण करना, किसी चीज को धारित करना। तो क्या धारण करें? ये सुंदर 10 लक्षण जो है ना, धैर्य है, क्षमा है, संयम है, चोरी ना करो, स्वच्छ रहो, इंद्रियों को वश में रखो, बुद्धि का सही उपयोग करो, विद्या अर्जन करो, विद्या बांटो, और सत्य पर चलो, क्रोध मत करो। तो ये सब कितनी सुंदर बात है, आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है, ये धर्म है। हम जो नाम लेते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और भी, वो सब धर्म नहीं है, वो पंथ हैं, वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके पीछे लोग चले जा रहे हैं अरसे से। हिंदू धर्म छोटा नहीं है, ये भाव प्रधान है। तो हिंदू धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, हिंदू धर्म में ये 10 लक्षण, और ये किसी भी धर्म के लक्षण हैं, हर धर्म में ये 10 लक्षण तो विद्यमान है ही हैं। तो हम जब इनका पालन करें, इनको धारित करें, उसको मैं धर्म कहती हूं। और जो शाब्दिक अर्थ है वो तो समझ गए आप, धारण करना। अब क्या चीज धारण कर सकते हैं हम? सदाचार है, अच्छे विचार हैं, सद्गुण हैं, सबको प्रेम करो, सबकी सहायता करो,
ये मनुष्य जन्म हुआ है, हमें किसी में बंधना नहीं है। बांधने के लिए ईश्वर ने हमें पैदा नहीं किया है, क्योंकि ब्रह्मांड तो अपने आप में इतना व्याप्त है, कोई किसको कैसे बांध सकता है। पर ये जो कोशिश रहती है ना एक दूसरे को बांधने की, ये बहुत छोटा करती है, ये बहुत गलत कोशिश है। जैसे लोग कहते हैं कि धर्म आंतरण, धर्म को बदलो। अरे धर्म बदला नहीं जाता है, धर्म साधा जाता है। ये 10 लक्षण है ना, ये क्या बदलोगे, इसे तो साधना पड़ेगा ना। ये साधेंगे, ये आत्मसाध होंगे, इनको कैसे परिवर्तित करोगे। तो धर्म जो है वो धारण करने योग्य चीज है। अब भाई भतीजावाद ये धर्म नहीं है, माया का दुरुपयोग करना यानी मुद्राओं का दुरुपयोग करना ये धर्म नहीं है, मिलावट करना ये धर्म नहीं, ये तो सबसे मैं कहूंगी कि अकर्म है, ये पाप है, जघन्य अपराध है। अब कुछ लोग इस धर्म को भक्ति के रूप में देखते हैं, अलौकिक शक्तियों के रूप में देखते हैं ना। तो जैसा भी जिसका मन चल रहा है, अपने अपने वक्तव्य बनाते हैं, अपने अपने डेफिनेशंस बनाते हैं। पर गीता में जो कहा है श्री कृष्ण ने, श्रेयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अनुवृत्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। यानी धर्म वो है जिसे आप स्वयं जो अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ ना करो। श्री कृष्ण कहते हैं जो भी चीजें आपको नहीं अच्छी लगती आप वो चीजें दूसरे के साथ मत करिए। जैसे आपको अपने आप को परिताड़ित करने में अच्छा नहीं लगेगा, अपने को मारने में अच्छा नहीं लगेगा, तो दूसरे को मत मारिए। आप अपने ऊपर क्रोधित नहीं होते हो तो आप दूसरों पर क्रोध मत करो। आप अपने पर ज्यादतियां नहीं करते हो तो आप दूसरों पर ज्यादती मत करो। अपने से झूठ नहीं बोलते तो दूसरों से झूठ मत बोलो। अपने आप में चोरी नहीं करते तो दूसरे की चोरी मत करो। तो जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वही आप दूसरे के साथ करो। आपको प्रेम अच्छा लगता है, आपको लगता है लोग प्रेम करें, आप दूसरे के साथ करो। आपको अच्छा लगता है कि आनंद में रहें तो दूसरे को भी आनंद प्रदान करो। आपको अच्छा लगता है शांति तो दूसरों को भी ऐसे रखो कि वो शांत रहें, अशांत ना हो आपकी कोई बात से। ये धर्म है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है धर्म के ऊपर कि कोई पंथ नहीं है, उन्होंने कहा कोई रिलीजन नहीं है धर्म, किसी की बपौती नहीं है धर्म, बल्कि मानव मूल्यों को अपनाना, दया करुणा प्रेम त्याग, ये है धर्म, सत्य न्याय, ये है धर्म। अब एक धर्म होता है जो सबको मानना चाहिए, वो किसी भी पंथ को फॉलो करते, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं। जब हम एक देश में रह रहे हैं उस देश की न्याय प्रणाली को मानना ये धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है नागरिकों का। नागरिकों का ये धर्म भी है कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहे और पालन करे। धर्म ये है सबसे बड़ा। धर्म ये है कि देश का जो संविधान है उसका पालन करें, सबसे बड़ा धर्म है। धर्म मार काट खींचतान तोड़ फोड़, ये कैसा धर्म है, ये कितनी गंदगी वाला चीजें जो धर्म हो सकती हैं क्या, कत्लेआम कैसे धर्म हो, आप खुद सोचिए ना।
क्या आप इसको धर्म कहोगे? जिसमें प्रेम, शांति, विराटता, बड़प्पन, अपनाना, कंपैशन, दया ये नहीं एग्जिस्ट करती हो, उसको धर्म की परिभाषा प्लीज मत दीजिए। रिलीजन ठीक है, पंथ, हम इस पंथ को फॉलो करते हैं, मुझे वो सही लगता है। धर्म एक बहुत बड़ा व्याप्त एक फील्ड है, एक दायरा है, तो उसको उतना ही बड़ा रहन दो, उसके कद को छोटा मत करो। आइए पुराणों में भी देखें कि धर्म क्या है। तो देखिए, जो कुछ भी पुराणों में लिखा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, वो बहुत सोच समझ के लिखा है, और उसके उसको हम वैसे फॉलो नहीं करते, उसमें विकृतियां ला देते हैं। अगर उसको उन्हीं भाव में समझा जाए तो समझ में आएगा धर्म क्या है। तो कहा गया है कि जो धर्म है वो ब्रह्मा जी के दाहिने वक्ष से उत्पन्न उनके मानस पुत्र, यानी मेंटल मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए हैं, और उनका विवाह दक्ष की 13 बेटियों से हुआ। अब ये 13 बेटियां कौन है? ये हैं दया, मैत्री, श्रद्धा, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री, श्रुति। धर्म की एक और पत्नी अहिंसा, जिनसे उत्पन्न हुए विष्णु अवतार, और इसके विपरीत अधर्म की पत्नी हिंसा, और उनके जो आगे वंशज हुए वो भी सुनिए, कौन कौन हो सकते हैं वो? अनुरत, निकृति, भय, शोक, नरक, तर्क, हट, ये सब उनके वंशज रहे। ये कितना सुंदर ढंग से समझाने की कोशिश की है उन्होंने कि भाई धर्म यह होता है और अधर्म ऐसा होता है। धर्म अहिंसावाद है और अधर्म हिंसा है, तो हम उसको रिलीजन का नाम नहीं देते, वो कह लो पर वो रिलीजन नहीं होता, वो एक व्यक्ति की पकड़ है, कुछ व्यक्तियों की पकड़ हो सकती है, जिसके पीछे लस्ट हो सकता है, पैसा हो सकता है, ताकत दिखाना हो सकता है, धर्म नहीं। धर्म तो इन सबसे परे है। जो कुछ भी ईश्वर ने व्यक्ति को, मानव को जन्म दिया और चाहा, ईश्वर ने ऐसा चाहा होगा कि ये मेरी जो सृष्टि है, जिसको मैं जन्म दे रहा हूँ, पृथ्वी पे ला रहा हूँ, ये मेरे ब्रह्मांड की जैसे मैं व्याप्त हूं वैसे ये भी बड़ा बनेगा और धर्म को मानेगा तो बड़ा होगा, अधर्मी नहीं होगा, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं वो एक अलग बात है। तो भाई ये कहानियां जो बनती है ना वो बहुत सुंदर होती है, और इसीलिए दादी नानी जो थी, दादा नाना जो बड़े लोग थे, वो बच्चों को एक परी कथा के रूप में संस्कार डालते थे, ऐसी कहानियां सुना के, तो छोटे छोटे बच्चे उससे प्रेरित होते थे, उनके मन में वो बस जाता था, वो बीज बन जाता था और धीरे धीरे पल्लवित होता था। पर आज जैसे कि सिंगल फैमिलीज हैं, जहां फायदे अनेक हैं वहां पे नुकसान भी बहुत सारे हैं, कि बच्चों का वो मानसिक विकास नहीं होता जो कि एक्सेप्टेंस लाए। आजकल हर कोई संकीर्ण विचारधारा में होता जा रहा है, विराट नहीं हो पाता, एक्सेप्टेंस जरा कम है, इसीलिए तो कहीं जहाँ प्लस है माइनस है। लेकिन मैं समझती हूँ कि धर्म के बारे में
मैं कुछ कुछ आपको बता पाई हूं, तो धर्म जो है वो आचरण में आएगा और व्यक्तिगत हो सकता है कि हम ये चीजें अगर फॉलो करेंगे तो हम धर्म आत्मा बनेंगे, धर्मात्मा बनेंगे, यानी हमारी आत्मा संतुष्ट होगी, तृप्त होगी और वो ही मोक्ष का अधिकारी होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सब ईश्वरीय है, मोह माया से निकल जाता है। तो धर्मात्मा जो होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। और हम लोग जो भी कथा ये सब सुनते हैं, इससे अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए सुनते हैं। जो भी पूजा पाठ हम करते हैं अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए करते हैं, और जीवन परिवर्तित नहीं हुआ तो ये सब बेकार, सिर्फ आपने किया धारण नहीं किया। तो मेरा आप सबसे यही विनम्र निवेदन है कि आप सब धर्म के मार्ग पर चलें। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 10 लक्षण को अपनाए, जो जिसे हम धर्मात्मा कहते हैं, और आगे बढ़े और देखेंगे आप कितने आनंद में हैं। पूरी दुनिया आपको अच्छी लगने लगेगी और आप एक एक जन से ये दुनिया बहुत सुंदर होगी। तो मैं समझती हूँ आपने जो मुझसे अभी प्रश्न पूछा ना, उससे तो अब आप संतुष्ट हुए। अच्छा ठीक है, चलिए कुछ तो बता पाए ना, ठीक है।